दोस्तों, अगर आपका भी RCIT का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को है या फिर 21 फरवरी 2021 को है और आपको लगता है भी आपने लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपकी तैयारी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखने के बाद शायद ही आपको किसी बुक्स या किसी नोट्स की जरूरत पड़ेगी और ये वीडियो आपको फाइनली एग्जाम में आपके लिए संजीवनी बूटी का भी काम करेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं RCIT की बुक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस का ये मेगा टेस्ट वीडियो। हाँ दोस्तों, मेगा टेस्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपको अपने लेवल पे करना होगा घर बैठे, यानी कि फाइनली एग्जाम देने से पहले आपको अपनी RCIT तैयारी को परखना होगा भी आपने किस लेवल तक की तैयारी कर रखी है। अगर आपके सामने फाइनली एग्जाम में इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनमें से कितने क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर पाते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग RSNR के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, आप हमारा कोई भी पहला वीडियो देख रहे हो, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम फाइनली एग्जाम तक इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और भी है, ये 150 जो क्वेश्चन है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे 10 से 12 सेकंड तक स्टेबल रहेंगे, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और उसके ऑप्शन को भी ध्यान से देख सकते हो। तो दोस्तों, अपने पास में रखिए एक नोटबुक और एक बॉल पेन, क्योंकि आपके जैसे ही आप 150 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आएगी ये आंसर की, इसी 150 क्वेश्चन की। तो आप बाद में अपने डेटा को इसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन है जो सही किए हैं अपने लेवल पर। तो दोस्तों, आपको नोटबुक की जरूरत इसलिए आपको कोई क्वेश्चन पूरा नहीं उतारना, कोई ऑप्शन पूरे नहीं उतारने, आपको जरूरत रहेगी इसके लिए। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, सूचना प्रणाली के कुल कितने भाग होते हैं, इसमें आपको ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ए बी सी या डी, जो भी आपको सही लगे। तो आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा एक, और उसके बाद में अगर आपको लगता है इसमें ए ऑप्शन सही है तो आप इसके आगे लिखोगे ए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसका आप सोल्यूशन देख सकते हो भी इसका कौन सा आंसर आपके लिए सही लग रहा है। तो अगर आपको लगता है भी इसका बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, तो आप दो नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर और उसके आगे इसका ऑप्शन को सेलेक्ट लिखोगे, जिससे कि आप अपने जो RCIT की फाइनल आंसर शीट रहेगी इसकी इसकी 150 क्वेश्चन की, उसके साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये 150 क्वेश्चन की PDF फाइल भी अगर आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा भी ये PDF आपको किस तरीके से मिल सकती है और ये आंसर भी आपको किस तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो।
तो दोस्तों अब आपके स्क्रीन पे आएगी ये आंसर की, तो आप अपने आंसर के अनुसार इसकी आंसर की के साथ डाटा मैच कर सकते हो क्वेश्चन वाइज। तो दोस्तों अगर आपको इस आंसर की को अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इस आंसर की पीडीएफ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको ये 150 क्वेश्चन का भी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, इसमें आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो, तो लाइक जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर देना।